अनुशासन में रहने वाला मन जीवन में खुशियाँ लाता है। यदि आप सही रास्ते पर देख रहे हैं तो आपको जरूरत है तो केवल चलने की। जो मन करुणा से पूर्ण भरा हुआ है वह हृदय अत्यंत सुंदर होता है। मनुष्य का जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। अहिंसा आपके मन में शांति स्थापित करता है। मनुष्य क्रोध को, प्रेम से पाप को, सदाचार से लोभ को, दान से झूठ को और सत्य से जीता जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसीलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। संदेह और शक की आदत सबसे ज़्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं करते। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम बड़ा करो, लेकिन बर्ताव ऐसे रखो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो अपने लक्ष्य को खोजना ही आपका अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। मुसीबतें ही सिखाती है इंसान को जिंदगी जीने का हुनर। कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। किसी के विश्वास के खंडन की जड़ों पर अगर हम अपनी सफलता का वृक्ष खड़ा करते हैं तो निश्चित ही ऐसा वृक्ष हमें सुकून की छांव कभी भी नहीं दे सकता। कुछ लोग जीने का सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए खुश रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें जीवन में कोई परेशानी नहीं है। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे, मगर महसूस जरूर होता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। शब्दों का भी अपना तापमान होता है, ये सुकून भी देता है और जला भी देते हैं। कलम तभी साफ लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। खुद को सफल देखना चाहते हो तो उसके लिए आज से खुद को सफल बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना कुछ किए सब प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही सबसे बड़ा अमीर है। कभी फकीर कभी साह तो कभी दिल नसीब की तरह, जिंदगी रोज हमसे मिलती है अजनबी की तरह। अगर 1% संभावना दिख रही है तो 100 बार कोशिश करें, संभावना से रास्ते खुलते जाएंगे। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली ही जाना है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। बुरे व्यक्ति पर क्रोध करने से पूर्व अपने पर ही क्रोध करना चाहिए। हंसी मन की गांठें बड़ी आसानी से खोल देते हैं। दुनिया की ज़्यादातर महत्वपूर्ण चीज उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई है जो कोई उम्मीद ना होने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हैं। क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि
दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। जिसने खुद पर काबू पा लिया उसकी जीत को देवता भी हार में बदल नहीं सकते। आपको गुस्से की सजा नहीं मिलती है, स्वयं गुस्सा ही आपकी सजा है। स्वास्थ्य के बिना जीवन जीवन नहीं होता, बस थकान और पीड़ा होती है जो मृत्यु के समान है।